इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल आप देख सकते हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सुमिता सिंह करनाल की पूर्व विधायक, कुलदीप शर्मा कांग्रेस नेता, जयप्रकाश कांग्रेस नेता तमाम, और जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी यहाँ पहुंच गए हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा से, जहाँ पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे हैं। देख सकते हैं किसानों का समर्थन देने के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पहुंचे हैं, उनके साथ तमाम कांग्रेस के और नेता भी मौजूद हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा से दिखा रहे हैं। तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के वो यहाँ आज समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं किसानों को। इससे पहले कांग्रेस नेता किरण चौधरी भी यहाँ पर पहुंची थी, और फिलहाल आप देख सकते हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुलदीप शर्मा, सुमिता सिंह, नरेंद्र सांगवान कांग्रेस नेता, जयप्रकाश, इसके अलावा और भी तमाम कांग्रेस नेता यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। कई जो किसान है वो मंच पर भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं, और फिलहाल आप देख सकते हैं ये बस्ताड़ा टोल प्लाजा की तस्वीरें हैं, जहां पर इतनी ज्यादा भीड़, किसानों की ज्यादा से ज्यादा तादाद है, और फिलहाल और भी तमाम जो नेता हैं वो यहां पर किसानों को समर्थन देती हुई नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये बस्ताड़ा टोल प्लाजा की दिखा रहे हैं, जहां पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और इसके अलावा और भी तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लगातार हम आपको तस्वीरें बस्ताड़ा टोल प्लाजा से दिखा रहे हैं। बने रहिए आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। आज यहाँ पर किसानों की संख्या भी ज्यादा है, नेता भी ज्यादा पहुंचे हैं, और इससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पहले किरण चौधरी जो करनाल भी पहुंची थी, और उसके बाद बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर भी पहुंची हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। किसान यूनियन की ओर से, पूरी करनाल की टीम की ओर से, और ये धरना संचालन कर रही कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बस्ताड़ा टोल प्लाजा से, जहां पर तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुलदीप शर्मा, सुमिता सिंह और भी तमाम नेता पहुंचे हैं। क्या कुछ कहेंगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये भीड़ देख सकते हैं, किसानों की भीड़ है जो यहाँ पर पहुंची है, आंदोलनकारी है, लंबे समय से धरना दे रहे हैं, आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो आप देख सकते हैं। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा से, जहां पर आप देख सकते हैं तमाम किसान यहां पर बैठे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यहां पर आंदोलन लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज किरण चौधरी जो कांग्रेस नेता हैं वो भी यहां पर पहुंची थी, और फिलहाल आप देख सकते हैं किसान जो धरने पर बैठे हैं इतनी ठंड में वो भी यहां पर मौजूद हैं, किसानों का समर्थन करने के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां पर पहुंचे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज पूरा मुख्यमंत्री यहाँ पर किसानों को समर्थन देने बीच में आए हैं। सभी किसानों ने एक बार बोली, आज हुड्डा साहब को स्टेज से एक बार बोलना, स्वामीनाथन रिपोर्ट 2006 में आपके समय में बनी, अब अगली बार जब भी सत्ता में आओ आप अपने हाथ से इसको लागू करना, और ये इनकी हमारे सारे किसान भाइयों की आपके सामने मांग है, और ऐसा आप यहाँ से मेरे किसान भाइयों को भी वादा करो, जब भी हमारा अगला सभा आया आप स्वामीनाथन की रिपोर्ट या कर्जा माफी की जो हमारी डिमांड है हम अपने हाथों से लागू करेंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र है। बीजेपी को बनाने वाले भी हम सारे थे, और अगला समय जिसको भी देंगे, और आप भी हमारे यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, आगे भी आपके आगे ये बात रखनी थी, और इसके अलावा कुछ खेती किसानी के नारे लगवाएंगे सारे भाइयों ने और उनके साथ। किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन,
इसके अलावा करनाल से हमारे जिला प्रधान अजय सिंह राणा, हमारे इंद्री से गन्ना शिखर समिति के प्रधान रामपाल चहल जी, हमारे यहाँ से भाई रजिंदर आर्या जी, और इसके अलावा हमारे लाडी भाई हैं, और जितनी भी आदमी और टीम है हमारे किसानियों ने इनके सारे पदाधिकारी इसको चला रहे हैं, और उनका भी उनकी ओर से भी मैं आपको धन्यवाद करता हूँ आप समर्थन देने आए, और इस धन्यवाद। और मीडिया के जो साथी हैं, ये जो बाइट स्टेज से पीछे ले लेंगे भाई, आप जो यहाँ पर होंगे उसे अव्यवस्था फैलती है, और इसके अलावा जो पूरे मुख्यमंत्री आए हैं, ये जो चाय पानी लेंगे सामने लंगर चल रहा है डेरा कार सेवा का, वहाँ पर जरूर जाए, और जो लगातार यहाँ पर डेरा कार सेवा, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा से, जहाँ पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा, कांग्रेस की पूर्व विधायक सुमिता सिंह के अलावा और भी तमाम नेता यहां पर पहुंचे हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के साथ मिलकर राजभवन का घेराव किया था इन तीन कृषि कानूनों के खिलाफ, और आज एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि यहां पर किसानों का समर्थन देने के लिए यहां पर पहुंचे हैं, किसानों का समर्थन देने के लिए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, दूसरे भाइयों से निवेदन किया है कि ज्यादा लोग ना पहुंचे, वहाँ भी जगह थोड़ी हमारे पास, कहा जाएंगे जो टबन नंदी जहाँ जो टबन जहाँ वहाँ नंदी भाई, हम तो काम चला रहे अपना, हाथ जोड़ का निवेदन है भाई, थोड़े से थोड़े आदमी जाओ। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, हमारे पूर्व सीएम भूपेंद्र जी पहुंचे हैं, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा करनाल पहुंचे हैं बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर, उनके साथ हैं कुलदीप शर्मा और तमाम नेता किसानों का समर्थन देने के लिए बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर पहुंचे हैं। कल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने तमाम नेताओं के साथ मिलकर राजभवन का घेराव करने का प्रयास किया था, दो बार गिरफ्तार भी हो गए थे, और फिलहाल आप देख सकते हैं आंदोलन है जो अपना, और मीडिया वाले भाइयों से भी प्रार्थना है भाई, बाइक तो बाद में अपने पास से लेनी है, बीच में ना बोलो, और वो तो के सारे लोकल मीडिया में गोदी मीडिया वाले तो नहीं घुस है, हम बता दियो गोदी मीडिया वाले में हम बहिष्कार करा हाँ, जो तो सरकारी सरकार की मीडिया ही कराई दिखाई नहीं रही, अंदाता सड़कों पर बैठा है, उनका न फायदा भी कुछ नहीं, वाई बात सौ बड़ौदा भी ट्याणा गांव में प्रोग्राम करा, एक साथ अंदर ला गया कण मास्टर जी, एक सुरफा की डड़ी ले आऊं, मैं किस पे ले आऊंगा, निबला शरीर हम फोन नाम का भेज है, मगर कबेरा है निबला, पूछता पूछता भी जो मां जाया भाई, और पूछता पूछता जान लाग रहा, एक जना तो ला गया कण निबला जी, रामफल का जाना था निबला भाई, सीधा चले जाइए, एक मोड़ आओगा, मोड़ आएंगे दूसरा मोड़ आओगा, तीसरा चौथा का रामफल का है, पूछता पूछता जान लाग रहा, ईसा सूत बेटे आगे रामफले आ गया, उसे ना लाग गया, पूछने निबला जी रामफल का जाना था, के काम था भाई निबला जी, एक सुल्फा की डड़ी लेनी थी, रामफल ने गोद में हाथ मार गया निबला जी, रामफलाला काम तर उड़ाई कर दू निबला के निबला जी, रामफलाला काम उड़ाई कर दू निबला, फिर रामफल मारा सड़ा लग गए, इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो मारे भाई हुए आराम से बैठे रही हो जी, श्राद्ध नहीं करनी किसी ने, एक बात थोड़ी जगह कर दे जी भाई साहब, आप देखो वो जगह खाली पड़ी है, आप हाँ वहाँ पे जाओ, एक कलाकार होना भाई, एक बात सुनाऊंगा, अरे एक के मनस तो उठा मैं इतना रोला, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी
लिए एक ही साइड में खड़े हो आप, अरे स्पीकर है जी, जान का बात कम हो गया प्लीज, थोड़ा सा करो उसके तो पॉसिबल थोड़ा साइड आ जाओ, ये पीछे स्पीकर हो गया आवाज नहीं आ रही। देखिए भाई जरूर बैठ जाओ भाई साहब, बैठ जाइए तो लिया दी उधर में, वो भगत सिंह के पिताजी थे किशन सिंह और चाचा जी सिंह, और जो गुहाने में आंदोलन वही चला था वहाँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी दादा जी थे, चौधरी मातुराम, उस शाम से संघर्ष चल रहा है, ये किसानों के नेता है। चलो जी एक मिनट एक मिनट आगे आगे बोलो, बहुमान और सम्मान के योग हम हमारे बिहार तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा से, जहां पर तमाम कांग्रेस के नेता किसानों का समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन आप आज किसानों की भीड़ देख सकते हैं काफी ज्यादा है, कई दिनों से किसान ठंड में यहां पर धरना दे रहे हैं। बस्ताड़ा टोल प्लाजा बिल्कुल फ्री है, कभी ट्रैक्टर मार्च निकाला जाता है, कभी रैली की जाती है, कभी पंचायत की जाती है, और किसान लगातार एक ही मांग पर डटे हुए हैं, एक ही बात पर डटे हुए हैं कि सरकार इन तीन कानूनों को जल्द से जल्द वापस ले ताकि तमाम लोग अपने घर जा सके, लेकिन सरकार और किसानों के बीच तकरीबन 10 दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन कोई भी अभी हल नहीं निकला है। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आगे किसान क्या कुछ कहते हैं, कांग्रेस नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कुछ कहते हैं, ये भी तमाम बातें आपको करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से सुनवाने का प्रयास करेंगे। एक किसान के बेटे में, किसान का बेटा हुड्डा साहब और खट्टर को देख लीजिए, जिसको किसानों से कोई लेना देना नहीं है, और हुड्डा साहब हमारी पीड़ा समझते हैं इसलिए हमारे बीच में पहुंचे। साथियों वैसे भी भारतीय जनता पार्टी झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोलती, हमेशा झूठ बोलती है। जब किसानों ने यह आंदोलन शुरू किया उस वक्त पंजाब से जब किसान चला, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बस्ताड़ा टोल प्लाजा से, जहाँ पे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे हैं, तमाम किसान यहाँ पर पहुंचे हैं, किसान भी चाहते हैं कि आंदोलन की राजनीति ना हो, लेकिन यहाँ पर राजनीति से जुड़े हुए तमाम लोग पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद राजनीति भी होती हुई नजर आती है, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं जाती है, क्योंकि चौधरी छोटराम ने अंग्रेजा के टेम में इस जमींदार के लिए, इस परिवार के लिए कानून बनाया था, जमींदार का पारा नीलाम नहीं होना चाहिए, गितवारा नीलाम नहीं होना चाहिए, जनानी के जेवर नीलाम नहीं होनी चाहिए, दूध देने वाली भैंस नीलाम नहीं होना चाहिए, और क्या होनी चाहिए, खान से ऊपर अनाज इस जमींदार के पास में होना चाहिए। बुजुर्गो नौजवान साथियों, एक मानस होया सज्जूराम अलकप्रिया, जिसको सेठ की उपाधि भी मिली सज्जूराम अलकप्रिया, नुको है भाई, अगर सज्जूराम अलकप्रिया नहीं होता तो चौधरी छोटराम भी नहीं होता। सज्जूराम अलकप्रिया एक बार दिल्ली में गाड़ी लेकर आवा था, और उधर से छोटराम कॉलेज पर गायक चौक के ऊपर खड़ा सज्जूराम ना के गाड़ी डाट ली। हाथ जोड़ के प्रार्थना है जी, रोला कम करो, रोला तो अपना सरकारी वाले ने मच रहा है। सज्जूराम अलकप्रिया ने आके गाड़ी डाट ली और छोटराम से सवाल जवाब ला गया करण, निबले में तू कौन है, कड़े का रहना ला रहा, दिल्ली में के करना रहा, क्या सवाल जवाब होते छोटराम के और सज्जूराम अलकप्रिया के, कैसे चल हो चल रहा तक
गड़ी सांप लगा रहना और बता दे के तेरा नाम मना रूंगा दिल्ली में क्या करना रहा तू। हाँ ताऊ जी उनसे सुनो शेयर कीजिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं बस्ताड़ा टोल प्लाजा की, जहां पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ तमाम कांग्रेस नेता किसानों का समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं। एक बात और बता दे, बड़ा खुश होया मैं सुन के जब तेन कॉलेज पटकाया हूँ, बड़ी खुशी हुई मन में। और ये हमारे आदरणीय राजेंद्र आर्य दादोपुर राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर नौजवान यूनियन, जैसे पहले बताया था भारतीय किसान मजदूर नौजवान यूनियन राजेंद्र आर्य जी दादोपुर से 500 रुपए से और मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। आपने मेरे बारे में तो पूछ लिया, हाँ, लेकिन अपना परिचय नहीं दिया, आप कौन है और मेरे प्रति इतनी हमदर्दी क्यों आई? मैं हाँ तो भाई छोटराम मैंने देख लिया, तू जमींदार का बालक से, अरे दिल्ली में जब तेन क्या कॉलेज पटकाया खुशी हुई, और मैं तो भाई सचुराम अलकप्रिया, सब ने सुना होगा नाम सचुराम अलकप्रिया का, मैं नू कहूँ तने जो तने बात कही कर पैसे की ढील है, छोटराम बहुत गरीबी में था लेकिन फिर भी किसान का भला करा, सचुराम अलकप्रिया ने उसकी मदद करी थी। मैं छोटूराम जिस चीज की भी तने जरूरत हो मैं हरदम तेरे साथ तैयार हूँ, तो कितनी पढ़ाई कर ले सारा खर्चा मैं दूंगा। हाँ मेरी बात सुन, हाँ तो सुनाओ आप देख सकते हैं करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा से, जहाँ पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कांग्रेस के नेता चाहे किरण चौधरी हो या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या जयप्रकाश हो या कुलदीप शर्मा हो, यहां पर समर्थन देने के लिए किसानों के बीच पहुंचे हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पहले किरण चौधरी यहां पर पहुंची थी और उसके बाद अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे हैं। कल कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजभवन का घेराव भी करने का प्रयास किया गया था और दो बार पुलिस ने तमाम कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार भी किया था। और आज आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से जो तमाम कांग्रेस नेता हैं वो किसानों के बीच यहां पर उनका समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं। फिलहाल रागनी का आनंद उठाते हुए नजर आ रहे हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके साथ तमाम कांग्रेस नेता। आज शनिवार
रविवार का दिन है, पहले के मुकाबले किसानों की जो भीड़ है वो भी ज्यादा है और आगे भी इस तरीके की जो भीड़ है, जो शनिवार का दिन होता है या रविवार का दिन होता है वहाँ पर ज्यादा देखने को मिलती है। फिलहाल वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्या कुछ कहते हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी वो भी हम आपको बताएंगे। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के पस्ताड़ा टोल प्लाजा से दिखा रहे हैं, जहाँ पर जो तीन काले कानून चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं। जमीन तो उन पर हरी है जिसके बूढ़े उतने पूत जा रहे हैं, जिसका बालक नौकरी लग रहा है। जमीन कड़े गई 2100 रुपए पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा इन बच्चों का मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद है, चरणों में प्रणाम है। और देखना आज चोर के प्रार्थना करा जी चौधरी साहब, महल तो चाहे द्वारे धरना पर जरूर दे दियो जी हमने, क्योंकि चंदा के बगैर कोई भी संस्था कोई भी संगठन कोई भी धरना चलिया नहीं करता। इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना है। और आप तो 10 साल मुख्यमंत्री भी रह रहे हो और फिर ऐसा मौका है जी, न्यू ना सोचिए बीजेपी वाले तो हमने नकार दिए और परमात्मा सुना आगे भी आप पे मुख्यमंत्री बन जो, इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना है। और जमीन की बात बताऊं तो जमीन ना आसमान में गई ना पताल में गई, जमीन कड़े गई, जमीन ने ले गए बूढ़े ने खिंडकियाले बैठे, ये कड़े ले गए इन्हें तोड़ा देखा था तो मनसा ने तोड़ा देखा था। और कृषि कानूनों को लेकर लगातार जो है प्रदर्शन धरना आंदोलन चलता हुआ नजर आ रहा है और करनाल बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर एक के बाद एक कांग्रेस नेता पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। एक दो दिन पहले कुमारी सैलजा जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस की वो भी यहां पर पहुंची थी, उन्होंने भी कांग्रेस के समर्थन में बयान दिए थे। उसके बाद कल राजभवन का घेराव किया गया था कांग्रेस नेताओं की तरफ से। चंडीगढ़ के अंदर तमाम कांग्रेस नेताओं ने अपनी को तमाम यहां से किसान अपने अपने ट्रैक्टर पर दिल्ली की तरफ निकलेंगे। लेकिन उससे पहले ये आंदोलन जो एक बात का लोगों से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है और राज्य सरकार जुड़े हुए तमाम सियासी लोग हैं वो भी इस आंदोलन का भरपूर जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि राजनीति का समय है उसको भुनाते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम मुद्दों को वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्या कुछ कहते हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हम वो भी आपको सुन पाएंगे, लेकिन उससे पहले आप किसानों के लिए राजनीति का आयोजन किया गया है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ तमाम और कांग्रेस के नेता भी इसका रागनी का आनंद उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जो हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जिसने बोलने का भी नहीं बेरा 26 जनवरी ना तो 26 अगस्त बताओ भगत सच्चाई है नो बताना जिस टाइम यू खट्टर जमया था उस टाइम दाई रोपड़ी प्रश्न लेके पूछना है तू क्या तो रोई है ने बोली आज तो मैं रोऊं जितने भी खट्टर पुराना होता रहेगा सारा हरियाणा रोई करेगा। सच्चाई है वह 4 बार हरियाणा जला लिया 42 छोरे तो उस टीम में मारे थे और 55 तो ऊपर शहीद हो लिए रोन में कसर है कि मैं इनका तो फिर कि मैं आगे पास है नहीं तो बीजेपी वाले नारे थे मैं गऊ बचाओ
और बीजेपी वाला इतिहास ठाक है, एक लोग ना कौन सगा करा गौ और ना कौन सगा बहु मारो दंड। सुखा प्रचार से के बना है वह बुढ़ी अपना पोतर लेकर पापा तो रह गई। भाइयों अपने बहने भाई पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से धन्यवाद है इनका, किसानों का दुख दर्द साझा करने वास्ते आए। और भाई इनके तरफ से 51,000 रुपए की राशि दान में दी गई है, मैं धन्यवाद। किसानों के सहयोग के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 51,000 रुपए दिए हैं। जिला परिषद के वार्ड नंबर 24 उम्मीदवार नेता यहाँ पर पहुँच रुपए से मान सम्मान करते हैं, लेकिन बार बार धन्यवाद कहना है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री का, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले कांग्रेस नेता यहाँ पर पहुंचे, और बताओ हमारे आदरणीय शोक खुराना जी 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद। प्रदीप चौधरी जी पुंडरी से आदरणीय बार बार धन्यवाद। प्रोफेसर राजेश वैद्य जी 500 रुपए से दोनों बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, राजेश जी का बार बार धन्यवाद, अंकल जी का धन्यवाद। इन तस्वीरों को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा से दिखा रहे हैं, जहां पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे, उनके साथ करनाल की पूर्व विधायिका सुमिता सिंह भी पहुंची हैं, उनके साथ कुलदीप शर्मा है, उनके साथ जयप्रकाश कांग्रेस नेता है। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहां पर तमाम जो कांग्रेस नेता है वो कांग्रेस पार्टी का समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। 51,000 रुपए का सहयोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तमाम किसान साथियों का दिया है। एक्स मिनिस्टर हरियाणा से रहे हैं, साउथ हरियाणा से बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी इस धरने को आज 21,000 रुपए दिए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद धरना कमेटी की ओर से, भारतीय किसान यूनियन की ओर से। और कैप्टन अजय यादव जी 21,000 रुपए तो धरना पर 500 रुपए भजन पार्टी का मान सम्मान करें, कैप्टन साहब का तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद। अमरेश पाल जी नीलो खेड़ी से 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लगातार राजनीति तेज होती हुई नजर आ रही है। अब 19 तारीख को 19 जनवरी को अगली विज्ञान भवन में मीटिंग है किसान संगठनों के बीच, और साथ ही साथ तमाम जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं उनके बीच। अब देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ रहता है मीटिंग के अंदर, क्योंकि तकरीबन 10 दौर की वार्ता हो चुकी है लेकिन अभी तक कोई भी हल नहीं निकला है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा करनाल में पहुंचे हैं और फिलहाल मीडिया से मुखातिब होंगे, क्या कुछ कहते हैं वो मीडिया को वो देखना होगा। लेकिन राजनीति लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कुछ कहते हैं आज की प्रेस वार्ता में, सबका सबको बेसब्री से इंतजार है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल हम आपको सुनवाएंगे क्या कुछ कहते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और क्या बैठेगा हमारे
नहीं है ना जगह फिलहाल आप देख सकते हैं कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जल्द ही मीडिया से मुखातिब होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुलदीप शर्मा यहां पर पहुंच गए हैं और भी तमाम कांग्रेस नेता यहां पर पहुंचे हैं। आज कांग्रेस के तमाम नेता किसानों का समर्थन करने के लिए बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर पहुंचे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा से, जहाँ पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। तमाम राजनीतिक सरगर्मियां इस समय तेज होती हुई नजर आ रही हैं। कल राजभवन का भी घेराव किया था हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री समेत तमाम कांग्रेस नेताओं ने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मीडिया को क्या कुछ बोलते हैं ये हम आपको सुनवाएंगे कुछ ही देर में। फिलहाल आप देख सकते हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर पहुंच गए हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार जी। भाई राम से आराम से, भाई आराम से। इतने दिन से बैठे इस ठंड में हमारे किसान भाई, उनकी जो मांग है वो जायज है और उनका पहले दिन से हम समर्थन कर रहे हैं। और कल जो वार्ता हुई है 29 तारीख रखी है, मेरा सरकार से बार बार आग्रह है कि ये कानून जो है वापस लें, ये किसान विरोधी कानून है। अगर हमारी सरकार, हमारी पार्टी की सरकार आई तो कानून हम खत्म कर देंगे। सर, जेजेपी के और निर्दलीय विधायक क्या आपके संपर्क में, जेजेपी और निर्दलीय विधायक संपर्क में है, कुछ बातचीत वगैरह चल रही है? देखिए ये बात अलग है, सारी बात आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं हरियाणा सरकार से कहता हूँ जो यहाँ झूठे मुकदमे बनाए हैं वो भी मुकदमे वापस ले नौजवानों के। और आज यहाँ किसान सभा करने की जरूरत नहीं है, अगर बीजेपी को चाहिए, बीजेपी की सरकार है दिल्ली में बैठ के केंद्र सरकार को प्रभाव डाल के उसको उसको कहे कि कानून वापस ले। बुड्ढे साहब, कांग्रेस का खुला समर्थन है आंदोलन को? हाँ, शुरू से मेरा तो 14 तारीख 14 अगस्त को आपने पढ़ा होगा मेरा आर्टिकल आया था ट्रिब्यून में पूरा, क्योंकि इनकी मांग जायज, इनकी मांग पूरा हमारा समर्थन है। आपको लगता है सर स्थिति के हिसाब से मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं? देखिए राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव होता है। दुष्यंत चौटाला के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बात हो रही है इससे अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात की थी सर, विधानसभा का स्तर पर जो भी हमने मांग की है राज्यपाल को भी, वहाँ पर आपको पता लगेगा जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो कई चेहरे बेनकाब होंगे, तो यहाँ समर्थन कर रहे हैं वहाँ भी समर्थन कर रहे हैं, तो ये पता लग जाएगा उससे शांत हो जाएगा कौन किसानों के साथ खड़ा है और कौन किसानों में। सर, एक निजी चैनल का सर्वे आया था, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को महज 8% वोट प्रतिशत मिला है। शेयर कीजिए, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों का समर्थन करने के लिए बस्ताड़ा टोल प्लाजा पहुंचे थे। उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी है, किसान है और कांग्रेस पार्टी का किसानों को खुलकर समर्थन है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या मध्यावधि चुनाव संभव है आने वाले समय में, तो उन्होंने साफ किया कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता, यानी कि उन्होंने इशारा किया कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है बाकी तमाम विधायकों के साथ, चाहे वो जेजेपी पार्टी के हों या बीजेपी पार्टी के हों। एक सवाल उनसे ये भी किया गया कि क्या बीजेपी निर्दलीय और साथ ही साथ जेजेपी पार्टी के विधायक क्या उनके संपर्क में है, उन्होंने भी यही जवाब दिया कि सारी बात मीडिया के सामने नहीं बताई जाती, यानी कि मीडिया के सामने भले ही सारी बात ना बताई जाए
लेकिन राजनीति के अंदर कुछ ना कुछ होता हुआ सियासी हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आगे कौन कौन से नेता करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों का समर्थन करने के लिए पहुंचते हैं, ये तस्वीर भी हम आपको दिखाते रहेंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।